सीडीबी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज क्लाइंट्स को या लोकल क्लाइंट्स को कहा जाए कि जी आप बुकिंग भी करवाएं, और अभी उनके लिए फायदा क्या है? सीडीबी के जितने क्लाइंट्स हमारे पास आए लास्ट ईयर के अंदर, उनको ऑनरशिप हम ट्रांसफर कर चुके हैं। जिनकी आने वाली है, जो भी टाइम ड्यू भी नहीं हो, उससे पहले इंशाल्लाह वो हैंड ओवर हो जाएगी। और इसका एविडेंस आप खुद हैं, इसकी विटनेस आप खुद हैं। कि लोगों का कंसर्न था कि यार प्लॉट हमारे नाम पे होगा, हमें समझ नहीं आ रहा डेवलपर के नाम पे होगा, हम कहाँ पर सिक्योर हैं, थोड़ा सा इस सिक्योरिटी को एलैबोरेट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रिजवान कवी खान वंस अगेन सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और फयाज साहब से मैंने टाइम लिया था अगले वीलॉग के लिए कि मैंने नेक्स्ट वीलॉग भी करना है और उसमें कुछ क्लाइंट्स के और क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछने हैं। फयाज भाई ने वंस अगेन मुझे बुलाया और हमने कहा चलें चिट चैट कर लें और डिस्कशन कर लें रिगार्डिंग घरों के हवाले से, सेक्टर के हवाले से, लोकेशन के हवाले से, पेमेंट प्लान अब क्या डिज़ाइन किया गया आप लोगों के लिए और क्या मंथ्स वही हैं, तो फर्दर कुछ डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम लेके चलेंगे। फयाज भाई सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से हैं। सर थैंक यू वेरी मच। हमने पहला वीलॉग बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह पहला वीलॉग बनाने के बाद रिस्पांस थोड़ा क्लाइंट्स का आया, तो मैंने कहा चलें अगला वीलॉग भी आपके साथ कर लेते हैं। अब ये जो मेरा वीलॉग है ना फयाज भाई, वो है पहले बैरियर टाउन जैसी सोसाइटी के अंदर सेक्टर्स के हवाले से, बिकॉज अब मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ नई लोकेशंस को भी आपने ऐड किया है। पूछना ये है क्योंकि उनके ऐड हो जाने से प्लॉट की प्राइसेस में इजाफा होगा, क्योंकि वो ऑब्वियस बात है सैचुरेटेड एरियाज हैं, डेवलप एरियाज हैं। आप क्या देखते हैं, पहले आप मुझे बताइएगा कि हमारे क्लाइंट्स जानना चाह रहे हैं कि वो एरियाज कौन से ऐड किए गए हैं, उसके बाद वहाँ पर भी क्या वही 5 मरला 10 मरला अपॉर्चुनिटी मिलती है, काइंडली इसको बताइएगा। जब अभी देखिए लास्ट ईयर के अंदर जो चीज़ हम क्लाइंट का फीडबैक आया और जो चीज़ हमने भी ऑब्जर्व की, हमने दो तरह के ऑप्शन दिए थे। एक हमने वो वाला ब्लॉक चूज़ किया जिसके अंदर डेवलपमेंट है बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि उसकी प्राइसेस बहुत हाई हों, और दूसरा वो ब्लॉक्स थे जो बैजन ने अभी रिसेंटली लॉन्च किए थे और वहाँ पर डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हो रही थी तो प्राइसेस बहुत लोएस्ट साइड पे थी, तो अफोर्डेबिलिटी वाला जो मामला था वो तो हमने रिजॉल्व कर दिया। बट बीच में बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे आए जो चाहते थे कि उनकी फैमिलीज के या उनके रिलेटिव्स ऑलरेडी सेटल्ड एरिया में हैं, लाइक 5 मरला के अंदर डबल ए डबल बी डबल सी ब्लॉक के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है आपको पता है, और अमेनिटीज़ भी मैक्सिमम इन्हीं एरियाज़ के अंदर हैं। इसी तरह 10 मरला के अंदर रफ़ी ब्लॉक में, इकबाल ब्लॉक में, जैस्मिन ब्लॉक में बहुत ज़्यादा फैमिली सेटल्ड हैं। तो ये बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी थी कि क्या आप ऐसा कोई पैकेज हमें उन पॉपुलेटेड एरिया में नहीं दे सकते। तो लास्ट ईयर में तो हम लोगों ने डिनाई किया था बट इस साल हमने वो इन्वेंट्री भी ऐड की है और हमने इस पैकेज को और ज़्यादा रिफाइन करके एक बहुत ज़बरदस्त पैकेज बना दिया है। आप देखिए जैसे 5 मरला के अंदर अगर आप हमारा पेमेंट प्लान देखें, और मैं चाहूँगा अपनी ऑडियंस को भी आप ये दिखाएं स्क्रीन के ऊपर कि हमारे पास इस वक्त 3 ऑप्शंस हैं कि एक क्लाइंट अगर बजटरी सोल्यूशन चाह रहा है तो हमारे पास 25 मिलियन का 5 मरले का घर है जो सिर्फ 25 लाख से बुक हो जाता है और उसकी टोटल प्राइस है 25 मिलियन, और उसके अंदर उसको गजनवी एक्सटेंशन, टीपू एक्सटेंशन और GVR1 जैसी ऑप्शन मिल जाती है ब्लॉक वाइज। अगर क्लाइंट थोड़ा सा प्राइस को बढ़ा सकता है और लोकेशन बेहतर चाह रहा है तो हम उसको 27.5 मिलियन के अंदर जना एक्सटेंशन, ट्यूलिप एक्सटेंशन और शेर शाह में शिफ्ट कर सकते हैं। अब वही क्लाइंट कहता है मुझे इससे भी ज़्यादा प्राइम लोकेशन चाहिए, तो आपको पता है डबल ए डबल बी और डबल सी से ज़्यादा अच्छी 5 मरला के अंदर पूरे बहरिया में कोई अच्छी प्राइम लोकेशन नहीं हो सकती, तो अब हम सेक्टर डी तक भी लोगों को ऑप्शन दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा हो गया, लाइक सेक्टर डी में भी हमारे पास है, सेक्टर ई में भी है। बिल्कुल ऐसा ही, जिस तरह की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी हम उस तरह का सोल्यूशन इंशाल्लाह उसको ऑफर करेंगे। ओके, अच्छा अब मुझे ये बताइएगा कि पेमेंट प्लान जो पहले हमारी डिस्कशन हुई थी वो क्या डिज़ाइन किया गया है, वो आपने बताना है व्यूअर्स को कि अब हम इस तरह चलेंगे, इस तरह पेमेंट देंगे, और उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करूंगा कि उनकी सिक्योरिटी सेंस में क्या है, क्योंकि आपकी भी सिक्योरिटी और उनकी भी सिक्योरिटी दोनों एक पेज पर रहें और घर पर डिलीवर हो। अगर अभी हम अपने से ज़्यादा चाहते हैं कि हमारा क्लाइंट सिक्योर हो, हमारा पेमेंट प्लान आप स्क्रीन पे दिखाइए, इस पर 5 मरला का जो है हमारे 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस में से जो पहला ऑप्शन है वो गजनवी एक्सटेंशन, टीपू एक्सटेंशन और GVR1 का है, 25 मिलियन टोटल प्राइस है, सिर्फ 10% जो 25 लाख रुपए हैं साइनिंग अमाउंट है इस पे आपका एग्रीमेंट साइन हो जाता है। नेक्स्ट हम 25% कन्फर्मेशन पेमेंट लेते हैं, 6 मंथ्स उसका टाइम है मिनिमम, मैक्सिमम 1 ईयर तक हम स्पेस दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। उस स्टेज पर हम क्लाइंट को ब्लॉक, स्ट्रीट नंबर और प्लॉट का नंबर भी असाइन कर देते हैं, उनको एग्जैक्टली पता होता है कि मेरा घर कहाँ पर बन रहा है। उसके बाद
मिनिमम इंस्टॉलमेंट है 1.25% विच इज 312,500 रुपीज़। 18 मंथ के अंदर हम ग्राउंड ब्रेकिंग देते हैं, 10% 25 लाख रुपए लेके हम घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, पूरा ग्रे स्ट्रक्चर खुद कंप्लीट करते हैं, फिर 25 लाख रुपए लेते हैं और फिनिशिंग समेत कंप्लीशन करके 24th मंथ के अंदर कीज़ हैंड ओवर कर देते हैं। यही पैकेज अगर आप चले जाते हैं जना एक्सटेंशन, ट्यूलिप एक्सटेंशन और शेरशाह के अंदर, तो वहाँ पे 2,75,00,000 रुपए का 27.5 लाख की डाउन पेमेंट है, 68,75,000 की कन्फर्मेशन अमाउंट है, 343,750 रुपीज़ इसकी इंस्टॉलमेंट है, 27.5 लाख रुपए ग्राउंड ब्रेकिंग और 27.5 लाख रुपए फिनिशिंग स्टेज पे। सेम एज इट इज अब पेमेंट प्लान के मुताबिक कस्टमर्स ने फॉलो करना और सिंपलीफाई कर दिया। 10% साइनिंग अमाउंट, 25% कंफर्मेशन, 1.25% इंस्टॉलमेंट, 10% ग्राउंड ब्रेकिंग और 10% जो है वो फिनिशिंग। पोजेशन पे हम कुछ नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट कीज हैंड ओवर हो जाएंगी और 24th मंथ में घर डिलीवर हो जाएगा। लास्ट 12 इंस्टॉलमेंट घर में रहते हुए कस्टमर पे कर रहा होता है। तो बहुत अच्छा है व्यूअर्स कि आपने वंस अगेन जो लास्ट इंस्टॉलमेंट्स है वो भी घर पे रहते हुए देनी है। और जिस तरह पेमेंट प्लान के बारे में बताया गया है ये स्क्रीन पे भी आप लोगों को शो हो रहा होगा, इवन के बाद में भी मैं आप लोगों से 1-to-1 शेयर कर लूँगा जब आप लोगों की डिमांड होगी। इसमें फिनिशिंग के हवाले से बताएं कि फिनिशिंग क्या रहेगी, स्टैंडर्ड और लग्जरी दोनों में फ़र्क नज़र आएगा। हम मैं आपको इसकी एक शीट भी दूंगा, आप वो भी व्यूवर के साथ शेयर कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम बड़े क्लियर हैं अपने विजन के अंदर, हम चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखते हैं, हम डे वन एग्रीमेंट का पार्ट बना देते हैं जो BOQ और स्पेसिफिकेशन है मटेरियल की, स्टैंडर्ड की स्पेसिफिकेशन और लग्जरी यूनिट की मैं शेयर करूँगा, आप अपने ऑडियंस को दिखाइए और वही सेम स्पेसिफिकेशन के अंदर रह के हम ये घर डिलीवर कर रहे होंगे। बिल्कुल व्यूअर्स, ये आपके लिए ना 1-by-1 तमाम आसानियाँ होती जाएंगी। इसके अंदर जो मेरा अपना पर्सनल खुद का भी और क्लाइंट्स की तरफ से भी आता है, इसको आपने तसल्ली से बताना है कि क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगी। लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं कि ये पेपर वर्क क्या होगा। देखिए नॉर्मली 10% के ऊपर डेवलपर की एक फाइल बनती है जो बुकिंग फॉर्म होता है, उसके अंदर हम घर का लेआउट प्लान, फ्लोर प्लान क्लाइंट को देते हैं, वो दोनों पार्टी साइन करती हैं, साथ में हम स्पेसिफिकेशंस देते हैं मटेरियल की, वो साइन होती है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट इनिशियली मिलते हैं 10% की साइनिंग अमाउंट के ऊपर। जैसे ही क्लाइंट 25% की कंफर्मेशन अमाउंट पे करता है तो हम उस प्लॉट के लीगल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और प्लस एक लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर नया एग्रीमेंट जो उसी का कंटिन्यूशन है जो हमने लास्ट बुकिंग फॉर्म साइन किया था वो क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, उसको साइन करते हैं और उस फाइल का पार्ट बना देते हैं। जैसे ही हम 18th मंथ को टच करेंगे हम ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए कॉल करेंगे, क्लाइंट ऑन साइट अवेलेबल होगा, इंशाल्लाह आप उन वीडियोस को भी कवर करें जब हम ये दे रहे होंगे, और इसी तरह फिनिशिंग स्टेज पे वो एक सर्टन अमाउंट देगा और इसको कीज हैंड ओवर हो जाएंगे। और ये लीगल डॉक्यूमेंट क्या स्टैम्प पेपर है? जी स्टैम्प पेपर है, ये 3000 वाला जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है क्या, और प्लस हम जो प्लॉट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं बैरिया के उसकी एक कॉपी भी प्रोवाइड कर देते हैं क्लाइंट को। बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। और प्लॉट जो है, पहले तो ये था जी आपकी तरफ से फेवर्स भी आ रही थी कि लोगों का कंसर्न था कि यार प्लॉट हमारे नाम पे होगा, हमें समझ नहीं आ रहा डेवलपर के नाम पे होगा, हम कहाँ पर सिक्योर हैं, थोड़ा सा इस सिक्योरिटी को एलैबोरेट कर दें। देखिए रवि मैं 35% चार्ज कर रहा हूँ और जो शायद टोटल प्लॉट की वैल्यू भी नहीं बनती, तो पार्शियल फाइनेंसिंग मैं दे रहा हूँ, और इवन जो 10% सिर्फ साइनिंग अमाउंट दे रहा है और 25% एक साल बाद मुझे रिसीव होगा, तो प्लॉट तो मैंने डे वन सिक्योर करके रखा हुआ अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो सिक्योरिटी उनको मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता कि वो जैसे ही 35% साइनिंग अमाउंट प्लस कन्फर्मेशन देते हैं तो मैं लीगल डॉक्यूमेंट का पार्ट बना देता हूँ उस प्लॉट को, जिस पे वो स्टे ऑर्डर भी ले सकते हैं कि ये एग्रीमेंट मेरे साथ है, हम प्लॉट नहीं बेच रहे घर बेच रहे हैं, बट उस प्लॉट के अंदर मैं उनको स्टेक होल्डर बना रहा हूँ कि इस प्लॉट में जो भी घर बनेगा उसकी ऑनरशिप उनको मिलेगी जिनके साथ ये हमारा एग्रीमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल व्यूअर्स, बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें जब हमने इस पूरे घर की पॉलिसी को समझना है ना नेल्सन बिल्डर्स जो कि हम अपने प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं, इसमें आप लोग प्लॉट बाय नहीं कर रहे हैं, आपका पहले दिन से जो एग्रीमेंट हो रहा है वो घर का हो रहा है कि आपको 5 मरला या 10 मरला घर चाहिए और इतने मंथ्स के ऊपर चाहिए, ये इसका पेमेंट प्लान है, ये मोड ऑफ पेमेंट रहेगा, आप इस तरह करेंगे, लेकिन उसमें जो निटिगिटीज़ होती हैं जिसमें आपको भी सिक्योर करना और हम भी सिक्योर रहें और बिल्डर भी सिक्योर रहें, उन तमाम चीज़ों को क्लब करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपके सामने लेकर आना और एक अच्छे से अच्छा घर आपको डिलीवर करना। अच्छा अब आप हमें ये बताएं कि CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज क्लाइंट्स को या लोकल क्लाइंट्स को कहा जाए कि जी आप बुकिंग भी करवाएं, और अभी उनके लिए फ़ायदा क्या है?
देखिए उनका फ़ायदा ये है कि उनको एक अच्छा डेवलपर मिल रहा है जिसकी नीयत बहुत साफ़ है, और हम ये क्लेम नहीं करते, हमने प्रूफ किया इसको पिछले साल के अंदर। CDB के जितने क्लाइंट्स हमारे पास आए लास्ट ईयर के अंदर, उनको ऑनरशिप हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं। जिनकी आने वाली है, जो भी टाइम ड्यू भी नहीं हो, उससे पहले इंशाल्लाह वो हैंड ओवर हो जाएगी, और इसका एविडेंस आप खुद हैं, इसकी विटनेस आप खुद हैं। तो हम आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि इंशाल्लाह उससे ज़्यादा बड़े पैशन के साथ, उससे ज़्यादा बड़ी कमिटमेंट के साथ हम चीज़ों को ऑनर करेंगे और नेक्स्ट फेज में लेके जाएंगे। इसी तरह 10 मल्ला का प्लान अगर आप शेयर करें अपने ऑडियंस के साथ, तो हमने सेम पैकेज रखा है, 3 डिफरेंट लोकेशंस की डिफरेंट प्राइसेज हैं, 10% साइनिंग अमाउंट होगी, 25% कन्फर्मेशन होगी, 1.25% की इंस्टॉलमेंट होगी, 10% ग्राउंड ब्रेकिंग और 10% फिनिशिंग पे ये घर मिल जाएंगे उनको। व्यूअर्स, इसके जो पेमेंट प्लान है वो आपके सामने स्क्रीन पे भी शो होते रहेंगे टाइम टू टाइम, आप जब वीलॉग देख रहे होंगे। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको पेमेंट प्लान चाहिए है तो 1-to-1 मैं आपको सेंड कर दूंगा, मेरा नंबर भी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसके साथ साथ लोकेशंस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बुनियाद पे आके आप लोग ग्रैब कर सकते हैं, CDB प्रॉपर्टीज का इंतखाब कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्दर भी मेरे जो इंटरव्यूज हैं वो फयाज साहब के साथ आते रहेंगे, और हम वंस अगेन इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुकमे अल्लाह 2024 भी उसी तरह साबित हो, अच्छा साबित हो, जिस तरह 2023 गुजरा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट फॉर यू आल्सो, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, अगर आज का वीलॉग आप लोगों को पसंद आता है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें। नेल्सन बिल्डर्स की तरफ से यही कोशिश है, और काविश भी यही है, और CDB प्रॉपर्टीज़ की भी यही कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ जो है वो डिलीवर की जाए वक्त पर। बट उसके अंदर सबसे अहम रोल ये अदा करना होता है कि आप लोगों ने टाइमली डिसीजन लेना होता है, आप लोगों ने लोकेशन चूज़ करनी होती है, आपने पेमेंट प्लान को फॉलो करना होता है, क्योंकि डेवलपर भी उस टाइम तक आप लोगों के साथ चल रहे होते हैं जब तक आपकी तरफ से पेमेंट जो है वो टाइमली आ रही होती हैं। फिर उनके लिए भी इन हालात को देखना और मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि फयाज साहब की बात करेंगे तो फयाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो जैसे स्क्रीन पर नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस की बुनियाद पर कोई घर 5 मरला या 10 मरला बुक करवाएं, अपने और अपने प्यारों के लिए वाकई में आसान घर का इंतखाब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे और फयाज भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।